हेलो, मैं सिप्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है दशहरा, तो आप लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी दशहरा। और हम लोग आज चल रहे हैं क्योंकि ना अभी 8-9 दिन हम लोग कहीं नहीं गए थे घूमने के लिए। तो हो रहा था कि मैंने वो मंडे से हुआ था ना, तो मन संडे को ही हम लोग निकल पाते हैं, इनका ऑफिस रहता है। तो हम लोग सोचे कि रावण भी देख लेंगे और फिर उसके बाद से मैंने माता को भी दर्शन कर लेंगे। तो हम लोग सीधे दशहरा के दिन ही घर से निकले। तो बहुत ही मस्ती किए। और मस्ती क्या किए, पहले थोड़ा सा बारिश हो गया था तो थोड़ा सा मैंने मज़ा ये हो गया था, किरकिरा हो गया था। लेकिन जब निकलने का टाइम में बारिश बंद हो गया था और बहुत ही हम लोग मस्ती किए, जहाँ अच्छा लगा वहाँ रुके, शूट किए थोड़ा बहुत, और नहीं तो चलते बस रहे, चलते रहे गाड़ी से ही थोड़ा बहुत देख लिए। तो इस तरह मैं और कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी देखिए, इंजॉय करिए कि मेरे यहाँ कितने सुंदर सुंदर पंडाल बने हुए थे और कितना ही मैंने माता जी का मैंने रखे हुए थे। और
देखिए, एक नहीं बहुत सारे मैं आप लोग को दुर्गा दिखा रही हूँ, जो कि आप लोग देखते रहिए। और ये देख लिए हम लोग जब रावण को देखने पहुँचे, तब तक रावण जल उल के ख़त्म हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ मन दो तीन रावण बने हुए थे, तो उसको हम लोग देखे। और जब वहाँ गए ना, तो हम लोग एकदम मुँह बाय कर लू। इधर माता जी का हम लोग दर्शन करते रह गए थोड़ा बहुत, कि पहले देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ बाग किया, बाग रह गए, और लोग आ भी रहे थे और लोग जा भी रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि आ रहे हैं कि जा रहे हैं। सब लोग हम लोग चारों तरफ घूम घाम के थोड़ा सा सोचे कि आप लोग भी दिखा दे रहे हैं। और यहीं पे आज अमिताभ बच्चन भी आए हुए थे, जो कि ज्वेलरी शॉप था, उसी का उद्घाटन करने के लिए आए थे। लेकिन सुबह ही मैंने पेपर में ही हम लोग पढ़े हुए थे कि आज आएंगे, लेकिन अब उसमें का एकदम टाइमिंग मैंने रहता है कि सुबह बस लिखे हुए थे। तो ये देखिए, रास्ते में सीताफल था, तो हम लोग सीताफल, जैसे गांव में हम लोग शरीफा बोलते हैं, तो ये उसी का सीजन था, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा ले लिए। उसके बाद से जैसे जैसे हम लोग को कुछ दिखा, वैसे वैसे हम लोग करते गए। ये देखिए, फिर हम लोग दूसरे जगह आए, तो ये रावण अभी जलने वाला था, मैंने पहले ही से आ गए थे। तो देखिए कैसे रावण दहन हुआ। ये छोटा था, लेकिन वो सबसे बड़ा वाला था, जो कि हम लोग मिस कर दिए, उसको देखे नहीं हम लोग। लेकिन इसको ही देख के हम लोग शांत हो गए। फिर वहाँ से हम लोग अपने अपने घर आए, खाए पिए कुछ, उसके बाद से आए। और प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। तो इसी के साथ साथ बाय, और आप लोग को फिर लास्ट में भी बोलती हूँ हैप्पी दशहरा, और गुड नाइट भी बोल दे रही हूँ, क्योंकि बाप रे हम लोग आए ना तो 8-9 बज गया था। घूमते खा पी के ही हम लोग आए, उधर से बहुत मस्ती करके आए, क्योंकि अब क्या बताऊँ। और सब आए और खाए पिए, फिर सो गए। और ये देखिए थोड़ा सा वो वाला रावण है, इसको भी देख लीजिए। प्लीज़ आप लोग भूलिएगा मत, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई हूँ। इतना भीड़ था, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाई कि देखिए मेरे यहाँ का कैसे रावण और पंडाल बना हुआ था। तो इसी के साथ साथ आप लोग को बाय बाय, लेकिन आप ज़रूर ही मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा।